हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th मैथ का हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे, घातांक और घात। और इसमें हमने एक्सरसाइज 12.1 12.1 प्रश्नावली जो है वो कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 12.2 को समझेंगे क्या है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमने करना है बेसिकली वो ये है कि संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ये पिछली क्लास में भी आपने किया हुआ है, संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। हम जानते हैं कि बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और उनको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनको समझ नहीं पाते हम वो कितनी बड़ी हैं, उनको पढ़ नहीं पाते हैं। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, दशमलव में हैं, उनको भी लिखना बहुत लंबा पड़ता है। तो उस तरह की जो संख्याएँ होती हैं जिनको लिखना जो है उसमें टाइम लगता है, उसको पढ़ नहीं पाते हैं हम संख्याओं को कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो उस तरह की संख्याओं को हम मानक रूप में लिखते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। तो वो ही हमने देखना है कि मानक रूप क्या है। सबसे पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जब बहुत बड़ी संख्या हो तो उसको मानक रूप में कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जब बहुत छोटी संख्या हो तो उसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक लेता हूँ नंबर और उसको देखते हैं कि मानक रूप में कैसे लिखना है। तो एक बहुत बड़ा नंबर कुछ ले रहे हैं हम, जैसे 3251075000000000000000, ये कोई नंबर है। अब आपको बोला जाए कि इसको मानक रूप में व्यक्त कीजिए। नॉर्मल तो ये है, सामान्य रूप कहते हैं। अब मानक रूप क्या है? मानक रूप में हम लिखते हैं इसको 10 की घात के रूप में, उससे इसको लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है। तो उसमें क्या करेंगे, जब बहुत बड़ी संख्या है तो सबसे पहले तो हम ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें इस तरह का कुछ आता है। यहाँ एक संख्या आएगी, गुणा लगेगा, 10 की घात में हम एक संख्या लिखेंगे। अब ये बहुत बड़ी संख्या है तो 10 की घात में जो संख्या बनेगी वो प्लस में बनेगी। अगर ये बहुत छोटी है, दशमलव में आ रही है, तो 10 की घात यहाँ माइनस में बनेगी। और यहाँ जो संख्या आनी है ये वाली, ये 1 और 10 के बीच की होगी कोई संख्या, 1 से लेकर 10 के बीच की कोई संख्या होगी। अब कैसी होगी वो संख्या, उसके लिए हमने बस दशमलव देखना है, इसमें दशमलव कहाँ है। तो जब बहुत बड़ी संख्या होगी तो दशमलव बिल्कुल इसमें एंड में होगा, लास्ट में, और बहुत छोटी संख्या होगी तो दशमलव शुरू में ही होगा, जीरो के बाद। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, दशमलव यहाँ पर है, इसमें इस दशमलव को यहाँ से हटाते हुए पीछे लेकर आना है। कहाँ तक? यहाँ तक, सिर्फ एक अंक छोड़ना है उससे पहले। तो सिर्फ एक अंक छोड़ना है, एक अंक छोड़ना है तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा, ये 3 के बाद। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3.251075। तो यही नंबर पूरा, बस इसमें पॉइंट यहां लग जाएगा। तो इतनी बात पहले समझनी है आपने कि दशमलव कहां लगाना है। उसके बाद जीरो जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब दशमलव कितना पीछे लेकर गए वो आपने देखना है, पीछे यानी कि बाईं तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। आप लेफ्ट साइड में कितना लेकर गए, यहां से काउंट करो, यहां था 1 2 3 4, ऐसे 3 3 के पेयर्स बनाना चाहे तो वैसे कर सकते हैं, 3 6 9, ये 12 हो गया यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 15 18 19 20 20 पीछे लेकर गए, तो यहाँ प्लस की 20 पावर आ जाएगी। तो आपका आंसर जो बन गया वो ये बन गया, 3.251075 × 10⁻²⁰, 10 की घात 20। तो अब इसको यहाँ से देख के पता लग रहा है 10 की घात 20 है, मतलब यहाँ पर 20 अंकों के बाद दशमलव है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आना इजी हो जाता है, लिखना इजी हो जाता है, इतनी सारी जीरो लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है और काउंट नहीं करना पड़ता है, इनको गिनना नहीं पड़ता है कि कितना बड़ा नंबर है। दो नंबरों की तुलना करना भी इजी हो जाता है, दो संख्याएं अगर आपको इस तरह की दी हैं, एक ये संख्या है और एक और है 3 × 10⁻¹⁹, तो यहीं से आपको पता लग जाएगा इसमें 10 की घात 19 आ रही है, इसमें 20 आ रही है, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो बहुत बड़ी संख्याएं जो है उनको दशमलव में बदलने के, उसको मानक रूप में बदलने के लिए 10 की घात प्लस में लगानी है, ये ध्यान रखना, और दशमलव जितना पीछे लेकर गए उतनी वो घात आएगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, ये 1050000000, ये लगाया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट यहाँ पर है इसमें, अब इस पॉइंट को कहाँ लेकर आना है, एक अंक के बाद, तो 1 के बाद यहाँ पर, तो 1.05, आगे तो जीरो है वो लिखने की जरूरत नहीं, गुणा 10 की घात आएगी। 10 की घात कितनी आएगी, यहाँ से आप दशमलव को लेकर गए यहाँ तक, तो कितना लेकर गए पीछे आप वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की घात 10 आ जाएगी, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे हम कह रहे हैं मानक रूप। तो इस तरह से ये मानक रूप
बनाया जाता है। अब ये मानक रूप बन गया बहुत बड़ी संख्या का। इसका एक और अगर उदाहरण देखें तो वो ये है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है, इस तरह के काफी उदाहरण आपकी बुक में ही है कि बहुत बड़ी संख्याएं होती कहाँ हैं। तो यहां पर एक ये उदाहरण है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी मीटर है। अब कितनी मीटर है इसको इकाई दहाई में पढ़ना मुश्किल है, तो ये जो है इसको इस तरह से लिखा हुआ है 1496000000 फिर 000। एक्स्ट्रा लग गया एक, तो इतना ये दिया हुआ है, कॉमा इसलिए लगे हैं ताकि इनको समझना इजी रहे। तीन ये, फिर तीन ये, फिर तीन ये, फिर तीन ये, इस तरह से यहाँ पर इतने अंक हैं, इतना मीटर है। तो इस तरह की दूरी है तो इसको पढ़ना मुश्किल है, इसलिए इस तरह की बहुत बड़ी जो भी संख्याएं होती हैं उनको मानक रूप में लिखना होता है। तो वही करना है, दशमलव अभी यहाँ है, इसको यहाँ से उठाकर हमें पहुँचाना है यहाँ पर, तो बनेगा 1.496। अंक सारे लिखने हैं जब तक जीरो नहीं आता, जीरो से आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1.496 गुणा 10 की घात लगानी है। अब कितनी लगानी है वो यहाँ से कितना हम पीछे लेकर गए वो देखना है। तो तीन ये छः, तीन ये नौ और 10 और 11, तो 10 की घात 11 और साथ में मीटर था यहाँ पर ये क्वेश्चन में ही, तो वो मीटर लगा देंगे। तो इस तरह से ये इतने मीटर है हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी, 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर है। तो 10 की घात 11 मीटर का मतलब यही हो गया कि इसमें 11 अंक आएंगे एक के बाद और। तो कितने अंक आ रहे हैं उस हिसाब से हम संख्या कितनी बड़ी है कितनी छोटी है वो पता लगा सकते हैं। तो यहीं से देखने से पता लग जाएगा संख्या कितनी बड़ी है। यहाँ पर अगर इसको देखते तो हमें गिनना पड़ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज जो आपकी 12.2 है, उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या दी हुई है और उसको आपने मानक रूप में लिखना है इस तरह से। उसके बाद दूसरे टाइप के हैं जिसमें बहुत छोटी संख्या हो तब कैसे लिखते हैं वो देखना है। तो बहुत छोटी संख्या किस तरह की होती है वो हम देख सकते हैं इस तरह की, 0.00000000075 मान लो ये कोई संख्या है। अब आपने इसको जो है वो मानक रूप में बदलना है, आपको लिखा होगा इसको मानक रूप में बदलिए, मानक रूप में लिखिए। तो अब इसको मानक रूप में कैसे लिखना है, तो उसके लिए भी सेम वही काम है कि यहाँ एक नंबर आएगा गुणा 10 की घात आएगी, लेकिन अब क्या करना है यहाँ से हमें दशमलव यहाँ पर है तो इस दशमलव को यहाँ से उठाकर हमने यहाँ तक लेकर जाना है। अब राइट साइड में जा रहे हैं सीधे हाथ की तरफ आगे की तरफ यहाँ तक, फिर से वैसे कि सिर्फ एक अंक ही रखना है दशमलव से पहले, उससे पहले तो सारी जीरो ही है, तो हम सिर्फ एक अंक रखेंगे, एक अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। और पॉइंट कितना आप राइट साइड में लेकर गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के बाद लगाया तो इतना ही आ जाएगा 11, लेकिन इस बार घात माइनस में आएगी, तो 10^-11, 10 की घात -11, ये इसका आंसर बनेगा। अब ये माइनस या प्लस में क्यों आता है वो आप देखना चाहें तो उसको समझ सकते हैं। जैसे 10 की घात 2 है तो इसका मतलब है 10 × 10, तो ये बनता है 100। 10 की घात 3 है तो इसका मतलब है 10 × 10 × 10, तो इसका मतलब है 1000। तो जितनी घात धनात्मक होती है 10 की उतनी ही ज़्यादा जीरो होती हैं, तो बहुत बड़ी संख्या जो है उसमें जीरो थी ये ज़्यादा, इसलिए घात प्लस में आ रही थी। लेकिन 10 की घात माइनस 1 का मतलब है 1/10, 10 की घात माइनस 2 का मतलब है 1/10^2, ये बनेगा 1/10×10 यानी कि 1/100, और 10 की घात माइनस 3 करेंगे तो वो बनेगा 1/1000। तो इस तरह से ये चलता है। तो क्या हो रहा है, ये नीचे जीरो बढ़ रही है, नीचे जीरो बढ़ रही है, तो इसका पॉइंट में बनाए जैसे इसका बनाए तो 0.01 बनेगा, इसका बनेगा 0.001, इसका बनेगा 0.1। तो देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो बढ़ते जा रहे हैं तो और छोटी संख्या बनती जा रही है। तो जब बहुत छोटी संख्या होगी तो घात माइनस में लगानी है 10 की। बस इतना सा है मानक रूप, आप इस तरह से बना सकते हैं इजिली। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, उसमें दिया है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, इतना कूलम, कूलम में नापते हैं हम आवेश को। आवेश हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं, जब वस्तु आवेशित होती है तो उस पर आवेश आ जाता है, चार्ज आ जाता है और उस वजह से वो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें इतना आवेश होता है। अब ये कितना है, बहुत छोटा है, जीरो के बाद पॉइंट लगाया और उसके बाद बहुत सारे जीरो है, फिर 1/6, इतना कूलम है। तो अब इसको हमने अगर दशमलव में मानक रूप में लिखना हो कैसे लिखेंगे,
तो ये पॉइंट यहाँ से उठाकर हम कहाँ लेकर जाएंगे वो देखना है आपने। ये पॉइंट यहाँ लेकर जाएंगे इस जगह, एक के बाद, एक अंक के बाद, तो हमारे पास बनेगा 1.6 गुणा 10 की घात। अब 10 की घात कितनी, वो यहाँ से आपने काउंट करना है यहाँ तक, तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 और ये 3, 15, 15 और ये 3, 18 और 1, ये 19, तो 19 प्लेसेस गए। लेकिन अब बहुत छोटी संख्या थी, ये पॉइंट में चल रहा है 0, 0, तो इसलिए माइनस लगाना है इतना कूलम। ये मात्रक होता है, जैसे हम दूरी नापते हैं मीटर में, वैसे ही आवेश जो होता है चार्ज उसको हम कूलम में नापते हैं। तो ये आपका आंसर बनेगा इसका, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो बहुत बड़ी संख्या हो या बहुत छोटी संख्या हो, आपने इस तरह से उनको मानक रूप में बनाना है। दूसरा यहाँ पर काम होगा कि मानक रूप में दिया होगा उसको सामान्य रूप में लिखना है, तो उसके भी उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे मान लो बहुत बड़ी संख्या है और वो दी हुई है आपको मानक रूप में पहले से, ये अब देखने से पता लग रहा है बहुत बड़ी संख्या है, प्लस में आ रही है घात, तो इसको सामान्य रूप में कैसे बनाना है। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहां से हटाकर आगे लेकर जाना है। कितना आगे लेकर जाना है वो यहां से पता लगेगा, 5, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या बनानी है तो पॉइंट पीछे चलता जाएगा इस साइड, राइट साइड में, तो 5 स्थान आगे लेकर जाना है दाईं ओर सीधे हाथ की तरफ। तो 8, 3, 7 ये तो था ही, यहां से 5 काउंट करने, तो अभी 1, 2 हुए, ये आगे कुछ नहीं है, तो 0 लगाने, 3, 4 और ये 5, तो ये नंबर बन जाएगा 837,000। तो 8.37 × 10⁵, इसका मतलब है ये 837,000। एक और देख लें इसी तरह का, 3150000000000000, ये है। तो इसको हमने मानक रूप में किस तरह से बदला था, तो 3.15 किया था और गुणा 10 की घात कितनी, तो यहां से हम पीछे से लेके आ रहे हैं इसको यहां तक, कितना 3 और ये 3, 6, ये 3, 9, 3, ये 12 और 2, ये 14, 10 की घात 14। तो अब ये अगर ये ऐसे दिया होता कि 3.15 × 10⁴, 3.15 × 10 की घात 14 ऐसे दिया है, तो क्या करना है, तो इस पॉइंट को यहाँ से 14 स्थान आगे लेकर जाना है। तो 3, 1, 5 यहाँ था दशमलव, आगे लेकर जा रहे हैं, 2 ये हो गए, 14 करने हैं टोटल, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये बन जाएगा और ये वही आ गया जो यहाँ पर था ये। तो इस तरह से आपने इसको करना है। तो ये हुआ बहुत बड़ी संख्या का मानक रूप दिया है और सामान्य रूप बनाना है। बहुत छोटी संख्या जो है वो दी हो अगर मानक रूप में, जैसे 1.75 और गुणा 10 की घात −15, अब क्या करें, तो अब आपने इसको बहुत छोटा बनाना है, तो ये पॉइंट पीछे की तरफ लेकर जाना है, कितना 15 स्थान, 15 प्लेसेस। तो ये पीछे से शुरू करेंगे, 1.75 ये था ही था, इसमें पॉइंट यहाँ से आप इस तरफ ले जा रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ, छोटा बनाना है इसको, तो इसमें जीरो शुरू में लगानी है, बहुत बड़ी संख्या बना रहे हैं तो उसमें जीरो लास्ट में लगा रहे हैं। अब कितनी लगानी है, एक अंक तो ये है ही है, यहाँ था पॉइंट, तो एक इसको भी काउंट करना है और 15 करना है पूरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और उसके बाद पॉइंट लगा के फिर आपने जीरो लगा दिया। तो इस तरह से आपका ये आंसर बनेगा। एक और देख लें, 3.8925 × 10⁻¹⁷, ये है। तो फिर से यही लिखना है आपने, 3.8925, यही पूरा पॉइंट यहाँ था, यहाँ से आपने पीछे लेकर जाना है 7, तो यहाँ से 7 काउंट करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद पॉइंट लगा के जीरो लगा देना, ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से करना है आपने। तो मानक रूप बनाना बहुत इजी है, मानक रूप से सामान्य रूप भी बनाना बहुत इजी है, ये आपने अगर अभी समझ लिया, इसको आपने नोट करना है, जो अभी किया हमने वो नोट करना है, और उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज 12.2 के सभी क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।